Hey there. Subscribe to my channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. There's not much change from the design trajectory. 479 open. Minus just 33 seconds. Just 3-33 seconds to launch. The excitement building minus up here. 30 seconds. On your screens. The close shot of real the base. Minus 23 seconds. Where you will see shortly the S-200s igniting on the ground. Minus 20 seconds. 18 seconds now. अब आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं, अब मैं कुछ दिन के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दो S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले भारतीय रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। बहुत यहाँ पे काफी थिक क्लाउड से सारे पैरामीटर्स जैसे कि घोषित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आईआर का इंफ्रारेड कैमरे का वीवी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ही बताऊंगा। जैसा कि अभी घोषणा की गई है सारे पैरामीटर्स सामान्य है। S-200s परफॉर्मिंग नॉर्मली एंड ऑन योर स्क्रीन्स ऑन द रेड इज द प्लांट ट्रेजेक्ट्री एंड द ब्लिंकिंग डॉट्स are the current position of the vehicle. We are about 1 minute 22 seconds into the launch. The S-200 developed a total thrust of nearly 6,000 kilonewtons and they are loaded with 205 tons of propellant each. On your screens, Dr. Shivan, Chairman ISRO, flanked by Sri Somnath, Director of VSSC. And now we are slowly and steadily reaching a phase where the L110 ignition will happen. L110 engine started. अभी अनाउंस किया गया है कि L110 जो कि हमारा दूसरा मुख्य रॉकेट है उसका इग्निशन हो गया है, उसके दोनों इंजन प्रज्वलित हो गए हैं और इसके प्रज्वलन होने से हमको करीब L110 परफॉर्मेंस नॉर्मल। अभी घोषणा की गई है रेंज ऑप्शन डायरेक्टर द्वारा कि इसका इसकी गति और वेलोसिटी बने हुए की सामान आ रही है। अब ये रॉकेट S-200 सेपरेटेड परफॉर्मेंस नॉर्मल 131 सेकंड पर प्रज्वलित किया गया था क्लोज और ये लगभग 195 सेकंड तक इतनी प्रवण देता जाएगा। 10 सेकंड्स आफ्टर द S-200 सेपरेशन द व्हीकल इज नाउ अंडर क्लोज लूप गाइडेंस द L110 परफॉर्मेंस इज नॉर्मल। The L110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि दोनों S-200 रॉकेट मुख्य रॉकेट से कैसे अलग हुए हैं उसका एक विहंगम दृश्य आपके सामने आ रहा है। The onboard cameras capturing the S-200 separation. जैसा कि आपने देखा जब S-200 जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको वर्क करने के लिए ऊपर में 3 रॉकेट और नीचे में 3 रॉकेट जिनका की थ्रस्ट अलग अलग है उसने मेन रॉकेट से इसको पृथक कर दिया। सेपरेशन विल टेक प्लेस एंड अगेन यू फ्रॉम आवर वीडियोस ऑन बोर्ड यू विल बी एबल टू पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड। अभी आपके स्क्रीन पे हीट शील्ड को मुख्य रॉकेट से अलग हुआ उसका दृश्य आपने देखा। ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द टू हाफ ऑफ द फेयरिंग सेपरेटिंग फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल। L-110 परफॉर्मेंस नॉर्मल। L-110 जो कि हमारा कोर रॉकेट है वो सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ में आगे के सैटेलाइट और क्रायो स्टेज। As I was mentioning, the L-110 stage develops a peak steady state thrust of about 1700 kilonewtons together. The stage is 21.2 meters long and has an outer diameter of 4 meters.
The L-110 weighs about 130 tons normal. And has 114 tons of liquid propellant consisting of N2O4 oxidizer and the US-25 fuel. Range Operations Director, Sri K. Ponginan on the screens now. Now, L-110 is slowly reaching towards its end phase, another 60 seconds for L-110 to go. And as I had told earlier, the L-110 was ignited at 110 seconds from the liftoff time, and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the L-110 stage. Plus 5 minutes. We are launched plus 5 minutes and 5 seconds, and shortly the L-110 will be shut off. जब रॉकेट का एल्टीट्यूड 170 किलोमीटर अभी अनाउंसमेंट हुआ रॉकेट क्रायोजेनिक रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और उससे L-110 रॉकेट से अलग हो गया है. The cryogenic stage has ignited, and I don't know whether you can hear the clappings of the working level scientists expressing their happiness on the ignition of the cryogenic stage. The performance of the cryogenic stage is looking normal at this stage. The intended path and the actual path falling exactly one over another. अभी जैसा कि अनाउंस किया गया है तीसरे चरण का C-25 क्रायोजेनिक के C-20 इंजन को प्रज्वलित किया गया था. इससे करीब 20 टन का प्रोणोद प्राप्त होता है और इसका विशिष्ट आवेग करीब करीब 442 सेकंड है. अब ये इंजन उपग्रह को उसकी कक्षा में ले जाएगा और ये लगभग 647.8 सेकंड तक समाचार प्रकट करता रहेगा और उस समय तक इसकी गति करीब 10.296 किलोमीटर की प्राप्त होगी. उसके बाद ये इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके 15 सेकंड के बाद में उपग्रह उससे अलग कर दिया जाएगा. इस समय जो हम देख रहे हैं इसकी एल्टीट्यूड करीब 199.9 किलोमीटर है और जो टाइम करीब करीब 390 सेकंड का हो रहा है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 4.46 किलोमीटर है. द व्हीकल वेलोसिटी इज अबाउट 4.7 किलोमीटर, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. We are at an altitude of 204 kilometers. We have covered a range of 890 kilometers from Shar and about 405 seconds into the flight time. The cryogenic stage is 13.5 meters long with an inner diameter of 4 meters. It is loaded with 27.7 tons of cryogenic fuel consisting of liquid hydrogen and liquid oxygen. It develops a steady state thrust of about 186 kilonewtons and 120 kilometers. And on 7th of September, about 48 days from now, the... Hey there. Subscribe to my channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.